कम बैक टू माय चैनल। न्यू चैनल है ये मेरा स्ट्रिंग गेमर के नाम से, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैं माइनक्राफ्ट खेलूँगा। ये मैं पहले के ही माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, एक दो वर्ल्ड बना रखे हैं। मेरे को तो इसमें ये अच्छा लगता है, क्यूब क्राफ्ट और लाइफ बोर्ड दोनों ही अच्छे लगते हैं, पर मैं अभी लाइफ बोर्ड खेलूँगा। लाइफ बोर्ड में सर्वाइवल मोड खेलना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं बेडरॉक एडिशन खेल रहा हूँ। तो जो मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मेरा नाम देख लेना स्ट्रिंग गेमर्स, और मेरा चैनल का नाम भी स्ट्रिंग गेमर है। स्टार्ट हो रही है लाइफ बोट। लाइफ बोट में सर्वाइवल मोड खेलूँगा। मैंने अपना सीक्रेट बेस बनाया, नहीं वो तो मेरा पिछला चैनल था। हाँ लाइफ बोट है, बेड वॉर्स है, ये क्या बोलते थे स्काई वॉर है, ये ज़ॉम्बी पता नहीं, ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है, सर्वाइवल गेम्स। इस सर्वाइवल मोड में खेलने वाला हूँ। सर्वाइवल मोड अगर आपने खेलना है ना, तो सर्वाइवल मोड पे जाओगे तो इससे इसको दबा के ऐसे ना आप किसी भी टेलीपोर्ट भी मार सकते हो, किसी भी ये मार दिया मैंने भाई, मारना मत प्लीज़। दो बंदे, एक VIP। चलो गेम में अटक गई थी, मैं तो शॉर्टकट से जाऊंगा। ये इन्होंने मेरे को यहाँ पर कोने फंसा दिया है, तो मैं भी क्या करूँ। वन बी टू PVP, इसे कौन से पकड़ता है। मर जूंगा ऐसे करके, तो एक तो गया VIP आएगा, तो अपनी VIP नहीं सच में आता VIP। ओए मार दिया, पर उसकी भी हेल्थ भाई बहुत कम होगी, ये तो नहीं है। मैं पहले खेलता था ना, तो मेरा एक सीक्रेट बेस था, मैं उसमें जाता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट पास ही है भाई, वो कभी वर्ल्ड चेंज ना हो जाए, पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा पास है। और उसमें ना मैंने एक डायमंड रख रखा, काफ़ी कुछ रख रखा है, आयरन का फुल आर्मर रख रखा है, इंचांटिंग टेबल रख रखा है, फिर मेरे पे लेकिस भी है, फिर मेरे पे XP नहीं है, यहीं पे है बस। 270 फर्स्ट का, 270 सेकंड का मेरे को याद नहीं, थर्ड का 140 भाई, वही वर्ल्ड है ना कि कुछ और है। एक बड़ी सी सीढ़ियों की दीवार रहती है बीच में, देख लेता हूँ, अगर ये वही नहीं है वर्ल्ड तो फिर मेरे पास नहीं है मोरल में, तो सब कुछ फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है वर्ल्ड, सर्वाइवल में बॉर्डर है इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है ना, शायद से ये वही वर्ल्ड है, क्योंकि मैंने पेड़ों के बीच में बनाया था अपना। ये वाली सीढ़ियाँ मत देखना, वो तो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं, दीवार खड़ी कर रखे सीढ़ियों की। टू सेवेंटी पे आता है पहले तो, इस साइड है यार, मिल जा प्लीज, नया वर्ड ना स्टार्ट हुआ,
मिल जा प्लीज प्लीज मिल जा। टू सेवेंटी पे तो तुम ओ ये वही नहीं है। वन फोर्टी टू सेवेंटी टू सेवेंटी वन फोर्टी भाई यार प्लीज वही है टू सेवेंटी। वो ज़्यादा नहीं पीछे आ गया? नहीं यार ये नहीं आ गया, ये मेरा सीक्रेट बेस था। ये नहीं था, मैंने यहाँ पे लैडर लगा रखी थी पर ये बहुत ज़्यादा टूटा फूटा भी था। ये नहीं है भाई, ग्राइंड करना पड़ेगा तो। ग्राइंड भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ना जगह जगह पे चेस्टें होती हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी सी लूट मिल जाती है। पहले चेस्ट लूटता हूँ। चेस्ट वो देखो टॉप पे एक चेस्ट है, मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे? वो देखो वो टॉप पे, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं है, जगह जगह मिल जाएंगी। एक और ही डबल इनमें से रियल होगी। एक डबल फेक है, क्या लिखा है? अननोन मैसेज। यार मिल जाए मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ कब का। तो गाइस मैं चेस्ट ढूंढ के मिलता हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, मेरे को ये मिल चुका है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। ये क्या है? लापिस का मैं अभी कुछ नहीं करूँगा इसलिए मैं इसे साइड में रखता हूँ। 16 एप्पल, चलो खाने का तो इंतजाम हो गया। तो गायब भी हो जाते हैं तभी। हाँ अभी तो ये भी करना पड़ेगा। ये क्या है? अच्छा है, इसके लिए तो कॉल चाहिए ना। स्टिक बनानी पड़ेगी, ये दी स्टिक। अभी मैं ये नहीं करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खोद रहा है। जल्दी खोदेगा, मैं देख लूँगा यहाँ कहीं टेस्ट है। और एक फिर से वो रही टॉप पे। अब जिस जिसको टेस्ट नहीं दिखी अब देख लो, वो देखो वो रही पिलर के ऊपर, वो देखो उस सर वो रही। एक ये बनाता हूँ, एक ये बनाता। माइनिंग पे जाना, माइनिंग में जाता हूँ। यहाँ कुछ टनल खुद ही होती हैं आपको पता है। या तो यहाँ पे ना ये दो ही चीज़ें होंगी, या तो एक डायमंड मिलेगा या 10 से ज़्यादा मिलेंगे। जब 11 मिल जाते हैं वो भी झुंड में, इसलिए माइनिंग करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अगर कोई लाइव खेल रहा है तो मैं बता दूँ, जो ज़्यादा फील्ड में मिलते हैं डायमंड, जैसे 10, 11, 12, 16, 18,
करते करते वो 10 पे में वो बच गया, वो 10 पे मिलते हैं। ज़्यादातर आप 10 पे ही खुदा करो। इलेवन ये देखें सारे 11 टाइम पे खोदते हैं क्योंकि इसी पे ज़्यादा टाइम मिलते हैं। वो बुट्टू भी कितना खोदा है, इसी में भी खोदा बहुत ज़्यादा खोदा है। लावा के साइड में ओवर वर्ल्ड की तरह मतलब कि उसकी तरह ये ज़्यादा लावा के साइड में नहीं मिलते। आयरन का भी यही है, झुंड में ही मिलेंगे, कभी भी आपको एक या दो नहीं मिलेगा, बहुत सारी मिलेंगे। अभी टॉर्चेस हैं मेरे पास, पर और बना लेता हूँ। ज़्यादा बच सके आप नाइन पे खोदो, नाइन पे सारी चीज़ें मिल जाती है, नहीं तो नाइन पे ही खोदते। ये देखो झुंड में डायमंड मिले, देखो अगर आपको एक से ज़्यादा डायमंड दिख गए ना तो मतलब वो झुंड में है। देखो कितने सारे 6 यहाँ पे हैं, देखना इस साइड भी आएंगे। 12 डायमंड ही मिल गए, नहीं 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 देखता हूँ कितने टाइम में मिले, गलती से मैंने खोद नहीं लिया। नीचे तो कॉल है, एक दो तीन चार पाँच छः मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ डायमंड है टोटल। आयरन पहले आयरन ये देखो और मिल गया, ये एक ही होएगा। अभी आयरन ढूंढना है, पहले आयरन को भी देख से ढूंढना पड़ेगा। मिल गया आयरन, आयरन इस रवीन में ही आएंगे। बस मैं इस डायमंड की लोकेशन में बोल रही हूँ, आयरन इस रवीन में मिल जाएगा। मिल जाएगा आयरन, है कि 3 आयरन चाहिए। जिसने भी सारा लूट लिया ना पूरा खतरनाक फेंक कर लेते हैं, कारण नहीं थोड़ा कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई नदर में से आया। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई नदर में से आ रहा है, बंद ही कर देते हैं। अच्छा मैं तो कहीं और आ गया, खुल जा।
जी फिर एक आयरन मिल गया। तो गाइस मैं आयरन ढूंढते मिलता हूँ, आयरन तो भाई बहुत देर में मिलेगा। तो गाइस आयरन तो मिला नहीं, मैं खोदते खोदते आया था यहाँ से, मेरे को डायमंड जरूर मिल गया। ये देखो यार एक आयरन मिल जाए, डायमंड मिल जाए, तीन आयरन मिल जाए, फिर आयरन मिले ही ना, डायमंड डायमंड मिले। और इस वर्ल्ड में शील्ड भी नहीं बना, काफ़ी चीज़ें बना नहीं सकती इस वर्ल्ड में, आर्मर शर्ट नहीं बना सकते, शील्ड नहीं बना सकते। ये क्या हो गया तो भाई, खुद जा, गेम ग्लिच हो गई थी, फिर से होगी पीछे था तो गेम सेट हो गया। हाँ चलो देखा, एक बॉल ने पे आ गई, ठीक हो गई गेम। आयरन, ये आयरन गुच्छे में ही मिलेगा देखना। हाँ मेरे को लगा बस नाक कटेगी, देखो कितने सारे आयरन है भाई, डायमंड पैसा ही पैसा होगा, सारे खोद लेता हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे डायमंड ना मिले, मतलब आयरन ना मिले, डायमंड तो मिल ही जाए भाई। अपने डायमंड के पास चलता हूँ, पहले रुक जाओ, पहले इसी के पास स्मेल्ट कर लेता हूँ। कितने सारे कोलस्टोन, इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अच्छा आपने देखा होगा मेरे को कितने सारे डायमंड मिल गए, कितने सारे डायमंड मिल गए, ये भी। तो आप अगली वीडियो में देखना कि मेरे को डायमंड मिलते हैं, मेरी किस किस से फाइट होती है। आपने ये भी देखा होगा कि आज मैंने दो बंदों को पहला, पर एक को पहला है उसने मेरे को पहला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।